हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डीजनाथ। आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं, लास्ट वीक में मैं एक वीडियो अपलोड किया था एमआई एप्स के बारे में। तो एमआई एप से आप कैसे कोई भी पावर बैंक या ईयरफोन कैसे विन कर सकते हो, तो उसी के बारे में मेरे एक भाई ने कमेंट किया है कि करके दिखाओ कैसे हमें बाय करना है, फ्री में बाय करना है। तो उस भाई ने कमेंट किया है, तो उस भाई को बताना है। चलो बताता हूँ। चलो भाई, आप कैसे वो वाला फ्री में बाय कर सकते हो, देखते रहो वीडियो एंड तक, देखते रहो आप समझ जाओगे कैसे बाय करना है पूरा फ्री में। सो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना मेरे दोस्तों। और हाँ, अगर आपको कोई भी टेक्निकल रिलेटेड आपको डाउट है या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको बहुत जल्द उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। जितना आज सुन आज पॉसिबल मैं आपको उसके बारे में वो सॉल्यूशन बता दूंगा। सो कोई भी आपको टेक रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो या डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो। तो चलो मैं आपको पहले बताता हूँ एमआई एप्स के बारे में। सो पहले चलते हैं हम एमआई एप्स में। सो एमआई एप जाने के बाद यहाँ पर देख रहे हो अर्न मनी का ऑप्शन आ रहा है, अर्न मनी। तो अर्न मनी पे क्लिक करते हैं। सो मैंने आज का चेक इन नहीं किया है, चेक इन कर लेता हूँ। चलो 10 पॉइंट्स मिल गए, अर्न कॉइन, डाउनलोड वन ऐप 20 पॉइंट्स, ओके। चलो एक ऐप डाउनलोड कर लेता हूँ जिससे मुझे 20 पॉइंट्स मिल जाएंगे। 20 पॉइंट्स मिल गए। फिर से चलते हैं अर्न मनी पर। सो यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर जो 10 रुपीज़ मतलब जो 10 रुपीज़ का कॉइन जो कूपन हमें मिलेगा उसके लिए हमें 30 कॉइन्स चाहिए। अगर हम एमआई केबल खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए हमें 1400 कॉइन्स चाहिए। सो भाई ने जैसे आप बोला था कि मैं आपको एमआई पावर बैंक या करके दिखाऊं, सो एमआई पावर बैंक के लिए कम से कम मेरे पास 5600 कॉइन चाहिए भाई। तो मेरे पास तो अभी फिलहाल 1000 कॉइन है, मेरे पास 5000 कॉइन नहीं है। फिर भी मैं बता देता हूँ कैसे करना है, तो ये फ्री में मिल जाएगा ये पावर बैंक। सो मैं छोटा वाला करके दिखाता हूँ, ये जो ₹10 का है इसे मैं करके दिखाता हूँ। सो पहले अपना आपको जो भी कूपन अच्छा लगे, आपका पॉइंट अगर बन गया, आपका कॉइन्स बन गया है, तो कॉइन बनने के बाद उस पर क्लिक कीजिए। अगर आपका 5600 कॉइन हो गया है तो एमआई पावर बैंक पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद क्या करना है, यहाँ पर रिडीम देख रहे हो ना, रिडीम पर क्लिक कर देना है। सो मैं अभी अगर क्लिक कर दूंगा तो मेरा 1000 पॉइंट्स चले जाएंगे। सो इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको छोटा वाला करके दिखा रहा हूँ। ऐसे करने से भाई तुझे मिल जाएगा, देख ले ₹10 का मैं अभी कर रहा हूँ रिडीम। तो रिडीम में गया, कन्फर्म, यस, जस्ट अ सेकेंड। तो भाई फिर से और एक बार चेक कर लेता हूँ मेरा कॉइन कमा कि नहीं। हाँ देखो, मेरा पहले 1030 कॉइन्स था, तो अभी 1000 कॉइन हो गया है। चलो जो ये अभी कूपन तो हम रिडीम कर लिए हैं, तो इसे हमें फिर से जाना है एमआई स्टोर पर, क्योंकि हमें यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट हम बाय करने वाले हैं वो एमआई स्टोर से बाय करने से हमें मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा है देखो, अगर ₹10 का जो हमें अभी वाउचर मिला है वो अगर हम एमआई स्टोर से कुछ भी अगर सामान खरीदते हो तो वहां से हमें डिस्काउंट में मिल जाएगा, इतना 10 रुपीज कट जाएगा। और अगर आप अगर ये वाला रिडीम कर लिए हो, एमआई पावर बैंक रिडीम कर लिए हो, तो आपको एमआई स्टोर से खरीदने से आपको ये मिल जाएगा। सो चलते हैं एमआई स्टोर। रेडमी नोट 7 लॉन्च प्रोडक्ट, तो कोई भी प्रोडक्ट चूज कर लेना। यहाँ से मैं तो फिलहाल ऑडियो चूज कर रहा हूँ, ऑडियो नहीं, चलो पावर बैंक ही चूज कर लेते हैं। पावर बैंक, सो नेक्स्ट हमें इसे ऐड टू कार्ट करना है, व्यू कार्ट। सो इसके बाद चेकआउट देख रहे हो ना, चेकआउट पे क्लिक करना है, देख रहे हो। चेकआउट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो अवेलेबल कूपन्स का एक ऑप्शन आ रहा है, अवेलेबल कूपन्स, देख रहे हो। क्लिक करो, देखो मेरा यहाँ पर ₹10 का एक ऑप्शन दिखा रहा है, तो क्योंकि मैंने अभी वो वाउचर को अभी अभी मैंने रिडीम किया तो ये कूपन यहाँ पर चला आया। तो वैसे ही दोस्तों, अगर आप एमआई का जो पावर बैंक है उसका 5600 कॉइन्स अगर आप पूरा कर लिए हो, रिडीम कर लेते हो, यहाँ पर सिंपली आपको आना है, आके बाय में क्लिक करना है। सो जैसे आप बाय में क्लिक करोगे, ऐड टू कार्ट करने के बाद बाय में क्लिक करोगे, वहाँ पर आपको ऑटोमेटिक ऑप्शन चला आएगा कूपन का, जिससे आपका वहाँ पर पैसा ऑटोमेटिक जितना रहेगा वो कॉइन से आप फ्री में खरीद सकते हो। सो फिर से और एक बार दिखा देता हूँ, देख लो चेकआउट,
देख रहे हो यहाँ पर अवेलेबल कूपन्स, अगर आपके अवेलेबल कूपन्स वहाँ पर 5600 है तो आप 5600 यहाँ पर ऑटोमेटिक हो जाएगा। देख रहे हो मेरा यहाँ पर देखो कूपन लिखा आ रहा है माइनस ₹10। तो वैसे अगर आप पावर बैंक खरीदना चाहते हो तो अगर आपका 5600 कॉइन्स हो गया है तो आप यहाँ से कूपन को एक्टिव कर सकते हो। एक्टिव करने के बाद आप यहाँ से प्लेस ऑर्डर कर देना, आपको फ्री में पावर बैंक मिल जाएगा। सो होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ आ चुका है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना मेरे दोस्तों, और अगर आपको टेक्निकल रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हो।